हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे प्याज की चटनी। तो प्याज को हम बिना भुने हम प्याज चटनी बनाएंगे। तो मैंने 5-6 प्याज मीडियम साइज़ की इस तरह से कट करके वॉश करके मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने आधी छोटी चम्मच नमक डाला है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमें ये थोड़ी स्पाइसी बनानी है, इसलिए मैंने 2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली। थोड़ा सा हमने पानी डाला है कि ये अच्छी तरह से पीस जाए, तो हमें एकदम इस तरह से पीस के रखना है दरदरा सा। तो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे एक कढ़ाई। तो इसके अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालने से कलर अच्छा आता है। फिर हमने जो प्याज को कस पीस के रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च और डाल देंगे इसमें। और इसमें चौथाई चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाली है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप डालना जरूर। इससे बहुत टेस्टी चटनी बनती है ये प्याज की। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, इससे क्या है कि मसाले अच्छी तरह सिक जाएंगे। और इस तरह से 1-2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, मिलाएंगे और फिर इसको क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम हम मीडियम में रखें, कम से कम 10 मिनट के लिए सिकाई करेंगे कि मसाला अच्छे से सिक जाए और कढ़ाई ने अच्छे से तेल को छोड़ दिया है। तो मतलब ये चटनी बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। आप इसे चपाती के साथ आप खा सकते हैं, परांठे के साथ आप खा सकते हैं, और फ्रेंड्स आप लंच बॉक्स में भी ये डाल के रख सकते हैं और घर पे भी बनाएंगे तो 5-7 दिन तक ये आराम से चल सकती है फ्रेंड्स। इस तरह की आप प्याज चटनी घर पे जरूर बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी ये प्याज चटनी कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल पे नए नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।